नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तीसरा मोर्चा, जी हां, पीएम मोदी के खिलाफ 2024 में जो जंग होगी उसमें तीसरे मोर्चे की आहट अभी से होने लगी है। और ये आहट यूं ही नहीं है, तीसरे मोर्चे की जो तैयारी कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे की जो कवायद है उसमें एक बिहारी शख्स जो है तेजी से बड़ी भूमिका में है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिनकी मुलाकात लगातार राजनीति के दिग्गज शख्स शरद पवार से हो रही है। और आज तीसरी बार भी मुलाकात हुई है, दो बार मुलाकात हो चुकी है पहले। और जो मुलाकात होती है तो यूं ही नहीं होती है, हम बार बार कर रहे हैं। तो ये मुलाकात जो है अब क्या रंग लाएगी ये देखना बड़ी बात होगी। पर तीसरे मोर्चे की कवायद जारी है और प्रशांत किशोर इसके मुख्य रणनीतिकार के तौर पर है सामने, और शरद पवार से वो लगातार संपर्क में है। आपको बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है 2024 को लेकर, पीएम मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चाबंदी की तैयारी है कि पीएम मोदी को किस तरह से घेरना है 2024 के चुनाव में, 2024 की बड़ी जंग में पीएम मोदी को आखिर कैसे घेरा जाए। तो कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो तमाम जो बाकी दल हैं उन्हें एक बैनर में लाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार जो हैं कभी काफ़ी बड़े सीनियर लीडर में शुमार रहे हैं कांग्रेस के लीडर में, तो कांग्रेस से तो खैर उनकी दूरी बन गई है, कांग्रेस अलग हो गए हैं। हालांकि ये बात भी दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही उनकी सरकार बनी हुई है। लेकिन अब जो ये जो कवायद चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस तो इसमें खड़ी नहीं दिख रही है साथ में, लेकिन तमाम वो छोटे दल धीरे धीरे जिन्हें कोशिश की जा रही है साथ लाने की, तीसरे मोर्चे की तैयारी। चर्चा तो ये भी रही है, हालांकि ये चर्चा है फिलहाल, कि नीतीश कुमार भी उस तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की बातें हैं। तो खैर, तो इन ऐसे ऐसे तमाम दलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस तीसरे मोर्चे के तहत, जिसकी मोर्चाबंदी फिलहाल शरद पवार कर रहे हैं और रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर की तीसरी मुलाकात हो चुकी है शरद पवार से, और 10-12 दिनों के अंदर ही अगर बात करें तो ये मुलाकात हुई है, महज 10-12 से 15 दिनों के अंदर ये तीसरी मुलाकात है। तो आपको बताएं इस मुलाकात के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच करीब घंटे भर बंद कमरे में बातचीत हुई है। यह मुलाकात पवार के दिल्ली स्थित आवास पर हुई है। एक पखवाड़े के भीतर ये, यानी मैंने आपको बताया 15 दिनों के अंदर तीसरी मुलाकात है। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले किशोर, प्रशांत किशोर 11 जून को मुंबई में पवार के आवास पर दोपहर में भोजन पर उनसे मुलाकात की थी। 11 जून को उन्होंने पिछली मुलाकात की थी और फिर सोमवार को उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी, और अब जो एक बार फिर मुलाकात हुई है। तो हम आपको बता रहे हैं पवार के साथ इन बैठकों में विपक्षी दलों के लिए बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आने की जो अटकलें हैं अब लगातार हवा उनको मिल रही है। पवार ने मंगलवार को दिल्ली में अपने आवास में 8 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। तो 8 विपक्षी दल कौन कौन से हैं हम आपको बताएं, क्योंकि ये जो तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही है उसमें जो ये 8 विपक्षी दल शामिल हैं फिलहाल, हम आपको बताएं वो कौन कौन है। तृणमूल कांग्रेस, बंगाल वाली पार्टी, ममता दीदी की पार्टी जो अभी जिसने शानदार सफलता हासिल की है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी, यूपी वाली पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव मुखिया हैं जिसके, तो उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली में जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और राष्ट्रीय लोकदल और वाम दल, इतने दलों ने फिलहाल शरद पवार से मुलाकात की है। तो तीसरे मोर्चे की जो मोर्चाबंदी हो रही है उसमें हम आपको बताएं कि किस तरह से नेता शामिल हो रहे हैं। हालांकि इन पार्टियों के आला नेता फिलहाल बैठक में नहीं शामिल हैं, इन पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए बैठक में, शरद पवार से मुलाकात की उन्होंने। और इस बैठक में आपको बताएं कि और कौन कौन से लोग हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री और TMC उपाध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो यशवंत सिन्हा द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय मंच की एक जैसी विचारधारा वाले लोगों की गैर राजनीतिक मुलाकात थी की थी ये बताया जा रहा है। तो यशवंत सिन्हा जो है उनके नेतृत्व में भी जो है ये बैठकें हो रही हैं, और NCP इसके पीछे खड़ी है, यानी शरद पवार की पार्टी खड़ी है। और रणनीतिकार यानी मुख्य रणनीतिकार हैं तो प्रशांत किशोर बड़ी रणनीति बना रहे हैं। प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी रणनीतियों को अंजाम दे चुके हैं, बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता में लाने की बात हो
दोबारा उन्होंने सत्ता में काबिज कराया था, उसके पीछे प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी थी और प्रशांत किशोर तो इतने करीब हो गए नीतीश कुमार के कि उन्हें नीतीश ने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन बाद में खटपट में राहें अलग हो गई। नीतीश से तो अच्छा रिश्ता रहा, उसके अलावा अगर बात करें तो ममता बनर्जी की जो सत्ता आई है बंगाल में उसके पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ है, और पंजाब में जो बनी थी सत्ता कांग्रेस की सत्ता आई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें भी बड़ी भूमिका थी और बड़ी रणनीति तैयार की थी प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट जो है वो 100% है, क्योंकि केंद्र में जब पीएम मोदी की सरकार बनी थी तो उस समय भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही थे। तो प्रशांत किशोर अब पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हैं, रणनीति बना रहे हैं। देखना होगा कि अब इस बिहारी की बुद्धि किस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की को रंग देती है, तीसरे मोर्चे को खड़ा कर पाती है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।